नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा टेक्निकल चैनल झिनेट सलेमपुर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम दे सके आपको नए नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आप सभी का सबसे बड़ा सवाल होगा कि डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर की जो बची हुई परीक्षाएं बीए बीएससी बीकॉम्स की हैं वो कब होंगी और उनके रिजल्ट्स आखिर आएंगे कब। आप सभी ने बड़ी मेहनत से तैयारी की है, हम सभी ने भी बड़ी मेहनत से तैयारी की है, तो जो परीक्षाएं हैं आखिर वो होंगी कब और रिजल्ट्स कब होंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि देश भर दुनिया भर में कोरोना वायरस की महामारी फैली हुई है, देश तो देश पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के महाप्रकोप से पूरी तरह त्रस्त है। हमारे देश में तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया ताकि हम वायरस को अपने देश से निकाल सके, उसे बचा जा सके, और हमें बोला कि घरों में रहें, सेफ रहें, स्टे एट होम। तो आखिर भाई हमारी परीक्षाएं होंगी कब और कब रिजल्ट्स आएंगे, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं पूरी जानकारी कि कब एग्जाम्स होंगे, कब रिजल्ट्स आने वाले हैं, बाकी बचे हुए एग्जाम्स की डिक्लेरेशन कब होगी, सारी डिटेल के बारे में। वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें, चलिए शुरू करते हैं। आप आए हुए हैं DDUGU.AC.IN जो कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ आने पे कुछ खास जानकारी हमें नहीं मिलती है, यहाँ केवल कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि हाँ एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो चुके हैं और बाकी चीजें भी पोस्टपोन्ड हो चुकी हैं। लेकिन इसे ठीक ऊपर स्क्रॉल करने पे अपने आप दो पेजेस खुल रहे हैं, एक पेज ये रहा और दूसरा पेज ये रहा। आखिर इसमें बताया क्या गया है दोस्तों, देखिए पहला पेज जो है रजिस्ट्रार के द्वारा घोषित किया गया है 14/3/2020 को, जिसमें ये बताया गया है कि भाई उत्तर प्रदेश शासनादेश लखनऊ द्वारा विद्यालयों में COVID-19 को देखते हुए कुछ मीटिंग्स करी गई हैं और इसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं कि किस तरह से साफ सफाई किया जाएगा और फिलहाल 22 मार्च तक की सभी परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। ये पुराना नोटिफिकेशन है। और जिस दूसरे पेज को हम देख रहे हैं ये पेज भी पुराना है, 13 मार्च 2020 को जारी किया गया है, लखनऊ का शासनादेश है। इसमें भी वही सेम जानकारी दी गई है कि 22 मार्च तक की जो काम थे संस्थानों पे वो बंद कर दिए गए हैं और बाकी उस पे कुछ ज्यादा जानकारी, लेकिन हम क्लियर करने वाले हैं कि हाँ इस फलाने डेट को आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं उसको। उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों कि जिस हम ऑफिशियल वेबसाइट पे गए थे उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने पे आप लोग जैसे ही कुछ देर वेट करते हैं आपको एक ये जो नोटिस ड्रैग हो रहा है इस नोटिफिकेशन में आपको एक मैसेज मिलने वाला है ई लाइब्रेरी के मैसेज के ठीक बाद, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आखिर भाई जो एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो चुके हैं 2020 के उनकी कॉपी का एवेल्युएशन कैसे होगा और बाकी सारी चीजें कैसे होंगी। देखिए यहां पे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल खुलती है। इस पीडीएफ फाइल में कुछ चीजें बताई गई हैं। इसमें बताया गया है कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासनादेश के आदेश के क्रम में विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य 14/4 तक स्थगित किए जाते हैं, जैसा कि हम सब जान रहे हैं कोरोना वायरस के कारण हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और नवीनतम संशोधित पाठ्यक्रम और नवीनतम जो दिनांक होंगे प्रश्नोत्तरों की परीक्षाओं का मूल्यांकन सब कुछ जो है वो 14 के बाद ही होगा। तो आप लोगों में जो अफवाह फैली हुई है कि इतने तारीख को एक परीक्षा होने वाली है 15 को, उसे बचें। अब मैं स्पष्ट डेट बता देता हूं आपको, 14 तक कोई नोटिफिकेशन आएगा या 15 को कि कितने तारीख को परीक्षाएं होंगी। और ज्यादा से ज्यादा यही उम्मीद है अखबारों में और बाकी जगहों पे यही पता चल रहा है कि जो एग्जाम्स हैं वो 15 तारीख को नोटिस आने के बाद मई में शुरू हो करके अंत मई तक खत्म होके जून में रिजल्ट्स हो सकते हैं आए। तो यह क्लियर हो चुका है मित्रों कि 14 या 15 को परीक्षाएं नहीं होने वाली हैं, नोटिस आएगा 15 को या 14 के लास्ट तक और हमें पता चलेगा कब से परीक्षाएं होंगी, जो कि मई में होने की संभावना है या अप्रैल लास्ट तक। मैं आपको इन सूचनाओं से तुरंत अवगत कराऊंगा, जानकारी तुरंत आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं देता रहूं नए अपडेट्स, नए नोटिफिकेशंस आपको। धन्यवाद मित्रों।